उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में रंगदारी का लगाया आरोप, ना देने पर की मारपीट। आपको बताते चलें, थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला कोट पुराना शहर निवासी राशिद हुसैन पुत्र हाजी सत्तार हुसैन का आरोप है कि मेरे मोहल्ले के रहने वाले मुशाहिद और शानू रंगदारी मांगते हैं, ना देने पर मेरे साथ मारपीट की। राशि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद हुसैन और मुझे चिराग कहते हैं। क्या मामला था जो आपके ऊपर हमला? भाई साहब, मैं रात अपने घर का कुछ इलेक्ट्रिक का सामान लेने गया हुआ था, मुशाहिद ने और इसने शानू ने मुझे घेर के बेतहाशा मारा है कि कई बार हम तुझसे कह चुके हैं कि रुपए दे और 15। ये तो साहब गुंडे हैं, भूमि माफिया भी हैं, और इनके ऊपर एक 307 का मुशाहिद के ऊपर पुलिस का 307 का मुकदमा चल रहा है कई साल पहले से, जिसमें आज तक इसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ये तो साहब अपनी दुकान में बैठ कर तरह तरह के से परेशान करते हैं, गालियाँ बकते हैं कि इन्हें पैसे चाहिए हैं लोगों से। क्या मांग रहे हैं आपसे, क्या कहा था? लगभग उससे कह रहे हैं साहब हमें रुपए दो, 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि 15 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुझे मार देंगे और तेरे बेटे को मारेंगे और तेरी बेटियों को उठा लेंगे। कौन लोग हैं ये? रशीद साइकिल वालों के पुत्र हैं। कहाँ पर रहते हैं ये दोनों लड़के? कागर टोले में रहते हैं, मस्जिद खैरादियान के पास। क्या नाम है लड़कों का? एक तो मुशाहिद है और एक शानू है। कल जो हमला करा आपके, क्या हुआ? जी हाँ, मेरे ऊपर दोनों भाइयों ने हमला किया है कि मेरे कान का पर्दा फट गया है बुरी तरीके से, यही कहते हैं लगातार कि पैसे चाहिए। पुलिस से शिकायत करी आपने? मैंने कल जाकर पुलिस पे शिकायत की है, पुलिस ने अब देखिए साहब अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने NCR मैंने दी थी, उन्होंने ले ली है। जी,